हैदराबाद की मोबाइल मार्केट में ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए बनाई गई क्विक रिस्पांस फोर्स की कार्रवाई। मोबाइल मार्केटों के सामने रखे थल्ले पथारे उठा लिए गए। भाईजान देखें, कारोबार जिनके दुकानदार हैं उनके दुकानदारों के कारोबार मुतासर नहीं होते, क्योंकि उनकी दुकानें हैं, उनके सब कुछ है। ये जो हम काम कर रहे होते हैं वो जो रोड के ऊपर जो ठिए वगैरह लगे होते हैं जो ट्रैफिक मुतासर कर रहे हैं, इतफाक है इसमें यहाँ से एम्बुलेंस गुजर रही होती है, कोई बीमार गुजर रहा होता है, कोई किसी को इमरजेंसी होती है, क्योंकि रोड पूरा ब्लॉक होता है। हम जो जहाँ पे ट्रैफिक अगर ब्लॉक होता है उसके लिए हम आते हैं। दुकानदारों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, दुकानदार का अपना जारी बात है, उसका कारोबार है, वो तो कारोबार उनका चल रहा है, उनको मुतासर नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारा काम है उनको मुतासर करना। आपकी जो क्विक रिस्पॉन्स है, आपने काम अच्छा कर रहे हैं ना, देखिए आप ट्रैफिक की रवानी के लिए कर रहे हैं, आपका जो इकदाम है कहीं खुदा ना खासा आग लग जाए, रास्ता होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये आरसी हल है ना, मुस्तकिल हल होना चाहिए। देखें मेरे पास पूरा सिटी है, जहाँ पे ट्रैफिक का मसला हो रहा है वहाँ पे मैं पहुँच रहा हूँ। मेरे जाने के बाद यहाँ से जब हम यहाँ से दूसरे एरिया में जाते हैं तो मुतल्लिका अफसर को फिर हम उनको बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे हमने क्लियर करवा दिया, अब पीछे जो अफसर है फिर उनका काम है ये क्लियर करवाना। अच्छा, ये SO मुतल्लिका SO और SHO का काम है? खाली SO और SHO का काम भी नहीं है, इसमें और भी इदारे हैं, इसमें और भी इदारे हैं जिनको काम करना चाहिए, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर वो अपने प्रॉपर अगर काम करें तो मेरे ख्याल में माहौल बेहतर हो सकता है। आपके जो एक्शन है आप भी समझते हैं कि इससे मार्केट डिस्टर्ब होती है, इस तरह से क्विक एकदम से मार्केट, देखें जो रोड पे खड़े हुए हैं ना उनको तो खतरा होता है ना कि भाई पुलिस आ गई, वो तो भाग दौड़ अपनी करेंगे ना, जारी बात है बचने के लिए, उनके लिए परेशानी है। दुकानदारों को अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं है, दुकानदार अपने दुकानदार के अंदर बैठा हुआ है, वो अपना कारोबार कर रहे हैं, उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अच्छा, ये जो काम है इसमें यूनियन वाले भी हैं जो उनका ताबुन है, जब भी हम यहाँ पे आ रहे हैं और ये हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, इसको आप कोई इसको गलत नहीं कह सकते आपके किसी इस इकदाम को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका हल ये है कि यहाँ के लोग स्टेक होल्डर्स बैठ कर इस मसले का मुस्तकिल हल निकालें, इससे कि कारोबार जो लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं यहाँ से हज़ारों लोग होते हैं, तो वो लोग एकदम से जिस तरह भगदड़ मचती है उससे परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल ये सही बात है, इसमें मैंने भी यूनियन वालों से भी बात की है और कि भाई कोई मुसलसल हल निकालें ताकि एक सही तरीके से रोड भी क्लियर रहे और किसी का कारोबार मुतासर नहीं हो। दुकानदार तो अपना कारोबार कर रहे हैं, अब ये जो छोटे मोटे लोग हैं जो अपना छोटे छोटे पथारे बना के जो रोडों पे बैठे हुए हैं, अब उनका कोई हल नहीं है, अब उनको वो एक दुकान अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसने एक छोटा सा अपना वो एक बना के रोड पे रख दिया, वहाँ से वो गुजर सफ़र कर रहा है, अब उसकी वजह से रोड तो ब्लॉक हो रहे हैं ना, हमें रोड को तो क्लियर रखना है ना, तो ये हमारे मसले मसाइल। जिस तरीके से पार्किंग है, पार्किंग का इशू भी यहाँ पर है, पार्किंग दो दो तीन तीन लाइनों में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए कोई लाइन ड्रॉप होनी चाहिए, इसके लिए बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी दो किस्म की पार्किंग है, एक कंटोनमेंट की है, एक बल्दिया की है, एक साइड कंटोनमेंट है, एक साइड बल्दिया है। अब हमारी तरफ से अगर कोई कहे कि भाई ट्रैफिक काम नहीं कर रही, तो भाई हम बैठे हुए हम जिम्मेदार हैं। शबीर भाई है मेरे साथ, शबीर भाई यहाँ की जो मोबाइल मार्केट की यूनियन के सदर हैं, और इनसे पूछते हैं कि जैसे अभी जिस तरीके से यहाँ पर एक्शन हुआ और जो क्विक रिस्पॉन्स जो ट्रैफिक के हवाले से उन्होंने अभी एक्शन किया, आप लोग इसके ऊपर कोई चीज़ कोई मुस्तकिल इसका हल क्यों नहीं ढूंढते, और ये जो मसला है इसका हल आप लोग कुछ इसके लिए तजवीज़ देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़ैज़ भाई बहुत शुक्रिया कि आपने क्विक रिस्पॉन्स फोर्स की तरह क्विक जो है ना आवामी मसाइल पर एक्शन लिया, तो बहरहाल आप आ गए। तो मसला ये है कि यहाँ पर इसमें जो है क्विक रिस्पांस फोर्स तो अपना काम करती है ट्रैफिक के हवाले से। अच्छा, इनको इतना लगती है बेचारे आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे न्यूज़ चलती है, ये आ जाते हैं, अफसरान भाला आर्डर देते हैं, आ जाते हैं, ये क्लियर कराते हैं, घंटा डेढ़ घंटा गुज़्ता एक महीने चल रहा है, लेकिन असल कसूरवार इसके हम खुद हैं। हम जो मकामी इधर स्टेक होल्डर हैं, यूनियंस हो, रेजिडेंशियल हो, रेजिडेंशियल यूनियन हो, या और लोग हों, या दुकानदार हों, हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। हम खुद ट्रैफिक जाम कर देते हैं, टीए पदारे, उसके बाद बाइक्स, एक बड़ा अलमिया है जिसमें मुख्तलिफ अवामिल हैं, इसमें सिर्फ किसी एक का कसूर नहीं है कि हम सिर्फ शॉपकीपर्स को ही कह दें कि या जनाब हम सिर्फ पुलिस को ही कह दें, इसमें इंक्रोचमेंट से लेके कैंडबोर्ड से लेके, अच्छा पुलिस इसमें क्या किरदार अदा करती है? कुछ भी नहीं। पुलिस आती है बेचारी सफाई करवाती है, चलाती है, मना करती है, दो चार को भगाया उसका चले गए। असल जिनका काम है जनाब, वो शॉप उस बिल्डिंग में भी मौजूद है,
वो शॉप शायद कि वो फ्लैट जो ऊपर मौजूद है उससे 10 गुना ज़्यादा महंगी है, लेकिन उसके बावजूद उसको गाड़ी खड़ी करने का हक नहीं है। क्या हाल है आपकी नज़र में, क्या हाल है? देखिए, इसकी नज़र में सबसे पहले जो भी ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड के मेम्बरान हैं, इंचार्ज हैं, वो लोग बैठे हैं, इस पर एक्शन लेना चाहिए। ख़ास तौर पर कैंटोनमेंट बोर्ड के जो सीईओ साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, इनको बुलाया जाए और पूछा जाए कि क्या वजह है, क्या ऐसा कौन सा लॉ है कि जो शॉपकीपर्स हैं, जो पार्किंग बंद है, हम उनको ओपन नहीं कर सकते, तो क्या वजह है कि बिल्डर उनको खोल के नहीं देता। अच्छा, ये जो एक्शन हुआ कि आप इसकी हिमायत करते हैं या किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं इसको ये देखता हूँ कि ये एक्शन तो रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में आ गया हमारे, तो मैं तो रोज़ ही तकरीबन देख रहा हूँ, ये कोई 2-3 बजे शुरू होता है, शाम को मगरिब को ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये अच्छा नहीं लगता है, ये एक अच्छा तरीका नहीं है कि ये लोग एक तरफ लाइन में करके जाते हैं, फिर हम लोग बाहर आ जाते हैं। मुनासिब हदूद में रहे कि अगर काम किया जाए तो गरीब हो अमीर हो, सबको एक तरीक़ाकार मुकर्र है, दुकान की हद में, फुटपाथ की, कॉरिडोर की अपने हद में बैठ कर काम किया जाए और सड़क को खुला रखा जाए ट्रैफिक की रवानी के लिए, क्योंकि जो रहने वाले लोग हैं उनको परेशानी ना हो, कस्टमर को परेशानी ना हो, अल्लाह ना करे कोई किसी को हार्ट अटैक आता है, कोई आग लग जाती है, तो बड़ा मसला हो जाता है अंदाजी सरगर्मी में। तो रवानी ट्रैफिक की बहाल रहनी चाहिए, रोड खुले रहने चाहिए। इनका कहना था कि थल्ले पथारे लगे हुए हैं या जो पार्किंग है, मेरा कहना यह है कि यहाँ पर क्विक जो रिस्पॉन्स इमरजेंसी तो होती है, जहाँ भी रिस्पॉन्स इदारे करते हैं, 1122 है और इसके साथ साथ ट्रैफिक का भी आ गया और उसके साथ RRF है, हैदराबाद में पुलिस का महकमा है, वो भी क्विक रिस्पॉन्स करता है। लेकिन अगर ये जो सिलसिले हैं, इस सिलसिले में कोई चीज़ है जो यहाँ के फ्लैटों वाले दूसरे लोग हैं उनके दरमियान और जो यहाँ पे जिन लोगों ने 2-2, 3-3 लाइनें लगा रखी हैं उनको अगर एक लाइन में किया जाता है और अचानक एक्शन की बजाय बाकायदा मुस्तकिल हल इसका निकाला जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि हैदराबाद की सबसे बड़ी मंडी है ये मोबाइल मार्केट और यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, तो इससे ये लोग जो है ना यहाँ के मकामी लोग डिस्टर्ब होंगे और ना ही कारोबारी लोग मुतासर होंगे।